सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। बिंदुओं पी ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा तथा ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा के मध्य दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज, ये सभी को याद है पहले से, 2a साइन एल्फा माइनस बीटा बाई 2। याद कैसे है? जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन कराया था और कहा भी था याद रखना है। स्ट्रेट लाइन के साथ भी पढ़ते हैं और यही पॉइंट अपन सर्किल के साथ भी पढ़ते हैं। ये याद करने वाले क्वेश्चन सारे आपके स्टडी मटेरियल में जो हर चैप्टर में जो सीट दे रखी है उसमें दे रखे हैं और वो आपको याद करना है। सारे पेपर में आपके कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं जो डायरेक्ट आपको लिखने होते हैं, बाकी छोटी कैलकुलेशन होते हैं, कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं। पुराने जब पेपर होते थे तब तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आधे से क्वेश्चन याद करने वाले आ जाते थे। तो इनको आप सभी को अपने स्टडी मटेरियल की जो सीट है उसमें से आप इनको याद करना है। फिर भी यहाँ है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अंडर रूट ए कॉस एल्फा माइनस ए कॉस बीटा प्लस ए साइन बी एल्फा माइनस ए साइन बीटा होल स्क्वायर। एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर लिख दिया। पहले ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, सेकंड ब्रैकेट से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ए स्क्वायर कॉमन लिया वन आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा दूसरे ब्रैकेट से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कॉमन लिया फिर वन आ गया। पहले ब्रैकेट से माइनस टू ए बी कॉस एल्फा कॉस बीटा, सेकेंड ब्रैकेट से माइनस टू ए बी साइन एल्फा साइन बीटा, टू ए बी बी नहीं है ए है सिंपल, तो माइनस टू ए कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया, ये भी टू ए स्क्वायर ए कॉस एल्फा ए कॉस बीटा मिडिल टर्म माइनस टू ए कॉस एल्फा टू ए कॉस बीटा, तो टू ए स्क्वायर कॉमन लिया, टू ए स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो गया ये वन माइनस कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा माइनस बीटा, वन माइनस कॉस ऑफ एंगल टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, टू ए स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई टू, टू इंटू टू टू स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो फाइनली पी क्यू बराबर आ गया टू ए साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू। जब आप अपनी ओर से लिखेंगे तो मॉडुलर साइन लगाएंगे तो ये आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ गई। तो दोबारा से आपको याद करके रखना है ए कॉस एल्फा कॉमा ए साइन एल्फा, दूसरा पॉइंट ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा के बीच की डिस्टेंस टू ए साइन एल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये याद करके रखना है। और याद करने वाले जो और क्वेश्चंस हैं उनको सीट में से देखना है, सभी को फिर एक साथ याद करना है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स का मान है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स डी एक्स इज, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्लिक कर देना है। अगर याद नहीं है तो आज ही आप इसे याद करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। आपके पास 12th लेवल की कोई भी बुक है इंटीग्रेशन है जिसमें, सब में सॉल्व दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है और याद करना है।
रात की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।